एक दौर था जब आग के बारे में इंसान को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज आग ऐसी सामान्य चीज हो गई है जिससे हम सभी न केवल परिचित है बल्कि इसका भरपूर दोहन भी करते। ऐसे में अगर यह पूछा जाए कि आग क्या होती है तो आप आसानी से बता देंगे कि आग ऐसी चीज़ होती है जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आग उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या होती है? ऐसे में क्यों ना आज आग से जुड़ी ये खास जानकारी ली जाए। तो चलिए आज सबको बताते हैं कि आग क्या है और कैसे उत्पन्न होती है। आग क्या है? आग दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊष्मा प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे कई उत्पाद निकलते हैं। दहन योग्य पदार्थ जब पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में पर्याप्त ऊष्मा के संपर्क में आता है तब आग पैदा होती है, और अगर इनमें से एक भी चीज़ की कमी हो यानी जलने योग्य पदार्थ ऑक्सीजन और ऊष्मा से एक भी कारक अनुपस्थित हो तो आग जलना संभव नहीं हो सकता है। आग जलने की प्रक्रिया में श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है, यानी एक बार आग जलने के बाद श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ मौजूद रहता है तब तक आग जलती रहती है और फैलती भी रहती है। ऐसे में आग को बुझाने के लिए ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए आग पर पर्याप्त पानी या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके आग बुझाई जा सकती है। आइए जानते हैं आग के कितने प्रकार होते हैं और आग को कितने प्रकारों में बांटा गया है। क्लास ए टाइप फायर यानी कि सॉलिड फायर। आग के इस प्रकार में लकड़ी, कागज, कपड़ा और रबर जैसी चीजों से आग लगने का खतरा रहता है। क्लास बी टाइप फायर यानी कि फ्लेमेबल फायर। मिथेनॉल, टोल्यू, ज़ाइलीन, डीजल, पेट्रोल जैसे फ्लेमेबल लिक्विड की वजह से आग लग सकती है। क्लास सी टाइप फायर फ्लेमेबल गैस जैसे LPG, CNG और एसिटिलीन के कारण आग लग सकती है। क्लास डी टाइप फायर इस तरह की आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण लगती है। दोस्तों अब आप जान गए हैं कि आग क्या है, आग जलने की प्रक्रिया क्या होती है, साथ ही आग के प्रकारों से भी आप परिचित हो गए। उम्मीद है आग क्या है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित हुई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन करना।